कुमार शर्मा, तो अंकल ये आपकी दुकान जो है वो कब से है यहाँ पे? हमारी दुकान जो है 94 से अंकल की दुकान है। अंकल आप यही काम करते हो 94 से? काम करते हैं। अच्छा, ये आपका पीछे दिख रहा होगा आप लोगों को बेहतरीन, ये बेल्ट पीछे जो आपको दिख रहा है ये इलेक्ट्रिकल आइटम है। इसमें टाइमर है, कॉन्ट्रैक्टर है, पुश बटन है, रिले है। टाइमर, कॉन्ट्रैक्टर, पुश बटन और रिले। रिले हाँ। इलेक्ट्रिकल सामान, पैनल के बहुत सारे सामान है। पैनल के बहुत सारे सामान है अंकल के पास। तो अंकल अगर जैसे किसी को चाहिए हो सामान तो अपनी दुकान का एड्रेस बता दीजिए। शॉप नंबर 43 हबीबगंज नाका होशंगाबाद रोड भोपाल पे है अंकल की दुकान। तो अंकल कितने बजे से कितने बजे तक का टाइम है अपना ओपनिंग का? अभी फिलहाल 11 बजे से 8 बजे तक का अंकल का टाइम है। तो आप लोग अगर जैसे इलेक्ट्रिकल सामान या मैंने दिखा दिया जो जो सामान है, बड़े बड़े साइज के नट बोल्ट मिल जाते हैं अंकल के पास। बेल्ट मिल जाती है, सभी प्रकार की बेल्ट मिलती है अंकल के पास। बेरिंग मिल जाती है, बेरिंग सभी प्रकार के हैं अंकल के पास। चैन कुप्पी मिल जाएगी आपको अंकल। तो आप रेंट पे देते हैं या सेल भी करते हैं? रेंट पे भी देते हैं और सेल भी करते हैं। रेंट पे भी देते हैं और सेल भी करते हैं। अच्छा, छोटी मोटी मोटर है। अच्छा, और अंकल मतलब आप ये सामान लाते कहाँ से? ये बेटे गुजरात में शिप करते हैं, वहाँ से ऑक्शन में लाता हूँ। अच्छा, थोड़ा ही सामान लाता हूँ, ज़्यादा नहीं लाता हूँ। तो थोड़ा थोड़ा करके अंकल लाते हैं, मगर काफ़ी दुकान दिख रही है, दुकान पूरी फुल भरी हुई है इस सामान से। तो शिप्स का सामान होता है ये, पुराना जो ऑक्शन से अंकल लेते हैं, पुराना सामान है। जो देते हैं शिप वाले, हाँ, वो सामान में लाता हूँ, उसकी क्वालिटी अच्छी होती है जी, थोड़ा बहुत मार्केट मिल जाता है। तो चेक कर लेते होंगे अंकल वहाँ पे? वहाँ कोई चेक नहीं है, वहाँ केवल वजन से स्क्रैप मटेरियल के नाम से आता है। अच्छा, फिर यहाँ हम अपने हिसाब से देखते हैं कौन सा सामान कहाँ लगने वाला है। अच्छा, वहाँ भी देखते हैं कौन सा सामान कहाँ लगने वाला है। तो इंडस्ट्री में जो रनिंग आइटम के सामान है वो हम लाते हैं, और यहाँ पर हम जनरल आदमियों को मार्केट में देते हैं, जैसे मशीन है, चक्की है, एक्सपेलर है, छोटी मोटी इंडस्ट्रीज है, इन लोगों को। अच्छा, तो अंकल अपने दुकान हबीबगंज नाका शॉप नंबर 43 है। तो अगर आप अंकल से परचेज़ करना चाहें, अगर ये सामान, वैसे मार्केट में बहुत कम जगह मिलता है ऐसा सामान, बड़ी बेल्टों के लिए लोग परेशान होते हैं, बड़े नट बोल्टों के लिए परेशान होते हैं, तो ये सब सामान आपको मिल सकता है अंकल के पास। और अंकल अगर ज़्यादा कुछ सामान की ज़रूरत है जो हमारे पास नहीं है, वो हम शिपयार्ड से भी दिलवा देंगे, हमारा कमीशन का भी काम है। अच्छा, अंकल कमीशन का काम भी करते हैं। अगर जो सामान अंकल के पास आपको नहीं मिलता, तो अंकल की गारंटी है वो आपको पार्ट्स दिलवा देंगे, ठीक है अंकल? तो अब जानेंगे अंकल से इस बिज़नेस के बारे में कि ये बिज़नेस मतलब प्रॉफिटेबल है, अंकल को कितना फ़ायदा हुआ। तो अंकल आप मतलब कितने सालों से बिज़नेस कर रहे हैं? 25-26 साल से अंकल ये बिज़नेस कर रहे हैं। और अंकल आपका मतलब प्रॉफिट जानना चाहेंगे कि आपको कितना प्रॉफिट होता है? सबसे ज़्यादा इसमें बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो शिप रिटायर होता है उसकी टेक्नोलॉजी 15-20 साल पुरानी होती है। अच्छा, और आजकल दिन प्रतिदिन रोजाना टेक्नोलॉजी बदल रही है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम आ रहे हैं, तो इसमें प्रॉफिट ऑफ मार्जिन बहुत ही कम रह गया है, मुश्किल से रोटियां निकलती हैं। लेकिन फिर भी जो चला हुआ बिजनेस है, इसलिए अब इसी को करना है। अब ये रिटायरमेंट के समय पे कोई दूसरा बिजनेस सोचने की भी नहीं हम सोच सकते, इसलिए अब जैसा है वैसा ही हम इसे चला रहे हैं कुछ समय के। अच्छा, तो मतलब आप रिटायरमेंट का हुए, मेरी 66 साल की उम्र है। 66 के हैं अंकल।
और अभी भी देख सकते हैं आप, बेहतरीन है अंकल। और वैसे मैं आध्यात्मिकता में आ गया हूँ, मैं सभी चारों वेद, 18 पुराण, गीता, रामायण, महाभारत, उपनिषद, बहुत सारी नीतियाँ, स्मृतियाँ, इनका साथ समझौता करके मैंने एक पुस्तक लिखी है। और पूर्ण रूप से मैंने अपने जीवन को आध्यात्मिक में बना लिया है। सदाचार, शिष्टाचार, शीलता, स्वभाव का अच्छा मैं ध्यान रखता हूँ और आजकल मैं पुस्तक लिखता हूँ या बैठ करके, यहाँ मेरा सबसे अच्छा टाइम पास होता है और थोड़ी बहुत अपनी बिक्री इनकम भी हो जाती है, इससे घर की रोजमर्रा की चीज़ें चलती है। हाँ मतलब इनकम भी कही जाए तो अंकल कुछ मतलब बहुत कुछ पाने के लिए काम नहीं कर रहे हैं, खाली अंकल कर रहे हैं अपना जो समय है वो सही जगह लगाने के लिए। और अंकल को काफ़ी अच्छी फिर भी इनकम हो जाती है, क्योंकि भाई किस कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो थोड़ा टाइम तो हर बिज़नेस में लगता है और अंकल ने इस बिज़नेस को बहुत ज़्यादा टाइम दिया है। अंकल आपको अपने बिज़नेस से मतलब प्यार है नहीं है? मेरे को बिजनेस से मेरे बहुत प्यार है, इसमें बहुत सारी मैंने नॉलेज प्राप्त की है। मैं हर महीने जो है शिपयार्ड में जाता हूँ, कहाँ चीज़ कौन सी कैसे मिलती है उसकी सबको मेरे को जानकारी, यदि किसी को किसी चीज़ की आवश्यकता हो तो वो मेरे से संपर्क कर सकते हैं, मैंने उस चीज़ जो है उचित दामों पर उससे दिलवा सकता हूँ अच्छी क्वालिटी। अच्छा, तो अंकल कमीशन का काम करते हैं। अगर आपको ऐसा पार्ट चाहिए जो यहाँ पे नहीं मिल रहा है आपको, तो आप अगर अंकल से कांटेक्ट करेंगे तो अंकल आपको दिलवा सकते हैं वो सामान, है ना अंकल? ठीक है अंकल। तो अब अंकल की थोड़ी सी आप एक ज़रूरी बात सुने, अंकल क्या क्या कहना चाहते हैं, बोलिए अंकल। इसमें बिजनेस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर आदमी को जानकारी नहीं है हाँ, तो कौन सा सामान कहाँ लगना है तो उसका पैसा मिट्टी मिलने में 2 मिनट नहीं लगते। अगर थोड़ी बहुत जानकारी है तो उसमें अच्छा मार्जिन मिल जाता है, लेकिन उसमें प्रॉफिट ऑफ मार्जिन जो है बहुत कम रह गया है, क्योंकि आजकल नई टेक्नोलॉजी आ गई है, एक एक सामान जो है 3-3 साल रखना पड़ता है तब जाकर के कहीं बिकता है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसलिए मेरा बिजनेस अपना बहुत कम साइज कर दिया है, केवल टाइम पास करने के लिए थोड़े बहुत आइटम रखता हूँ। पहले भी मैंने करके देखा है, इसमें 26 साल में मैं कुछ ज़्यादा नहीं कर पाया और कुछ बिजनेस की व्यापार की नीतियाँ ऐसी होती हैं कि उनसे तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, मतलब घर चलाना बहुत मुश्किल पड़ रहा है, बस इतना ही बोलना चाहूँगा। तो अंकल चैनल के बारे में कहना चाहेंगे कुछ? बस अब इसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ठीक है दोस्तों।